पूजितं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नैन्ये पन्था विदते अनाये नैन्ये पन्था विदते अनाये। हमारे देश में भगवन हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर सकल सुख संपदा वाली सुखी संतान पैदा कर। हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर। श्रद्धे आज के अध्यक्ष जी श्री मणाराम जी व्याख्याकार और सुदृढ़ संचालक रहे श्री वेदपाल जी मेरे बड़े भाई 40 विद्याय केंद्र और उसमें लिखा है कि द्वा सुपूर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम प्रिस्वजाते तयोरन्य पीपलम स्वादवत्तचन्ने नो अभिचाक्षति। अब आपका देखो पता नहीं क्या बोल गया संस्कृत के अंदर, हिंदी बताता हूँ थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा वो नहीं टाइम दूंगा। दुआ माने दो, सुपूर्णा माने सोने के, सयुजा माने बराबर के, सखाया माने मित्र, और वो एक दरख्त के ऊपर बैठे हैं और उनमें एक तो भोग करके उसको खा पी करके बड़े मज़े ले रहा है और दूसरा अपने दोस्त को देखता है खाते हुए को उसी से मज़े ले रहा है। अरे बड़े आदमी ये क्या चीज़ हुई, बगैर खाए तो पेट भर रहे अपना। लेकिन है ये यजुर्वेद लिखा है, परमात्मा के बारे में लिखा है, सारी चीज लिखी है। दुआ सपूर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम प्रिस्वजाते तयोरन्य पीपलम स्वादवतन्य से अभिचाक्षति। संस्कृत पढ़ते हो, गुरुकुलों में गए हो, ये अपने गुरु जी बैठे हैं इनको पता होगा, तो उसमें कितना मजा है, कितना मजा है कि वो दोनों दोस्त ऐसे गहरे मित्र हैं कि कहते मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकता। जिस प्रकार से रसगुल्ले में हर जगह टोपे टोपे में रस होता है और जिस प्रकार से जब लोहे को अग्नि में देते तो अग्नि वत हो जाता है, हर जगह लोहे के अंदर आग हो जाती है। जिस प्रकार से दो पानी मिलाते हैं और पानियों को अलग नहीं कर सकते, दूध और पानी को अलग कर देते हैं, दो पानी अगर इकट्ठे मिल जाएं तो कोई ऐसा औजार या इंजीनियर ऐसी मशीन नहीं बनी जो उनको अलग कर दे, इस तरह से वो दोनों मित्र हैं। तो दोनों मित्र किस प्रकार के हैं भाई, समझ में बात नहीं आई। वो एक दरख्त के ऊपर लटका हुआ है एक तो, और वो ऊपर की तरफ देखता है तो शहद का छत्ता लगा हुआ है और शहद में से एक एक टोपा आ रहा है और उसको बड़े चाव से खा रहा है और दूसरा उसको देख करके पेट भर रहा है। देखो कितनी इज्जत में की बात है। शहद जो है इतनी बढ़िया चीज है, आप सभी जानते हो बुजुर्ग, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको शहद ही चटाते हैं और मेडिकल में अस्पतालों में जब बच्चा होता है तो डॉक्टर लोग शहद नहीं चढ़ाते कई बार और वो बच्चा तोतला हो जाता है। शहद में देखो परमात्मा ने कितनी बढ़िया गुण दिया है कि वो तोतलापन को खत्म करता है, सारी उम्र के बच्चा तोतला नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर लोग कहते हैं 8 साल का हो जाए, 11 साल का ऑपरेशन करेंगे, ये करेंगे। अरे भले आदमी इतने बच्चा पैदा होती शहद क्यों नहीं चढ़ाए, ऋषि लिखा है इसी सत्य प्रकाश के अंदर, बच्चे को शहद चटाओ। वो ऊपर को देख रहा है शहद चाट रहा है, नीचे देखता है नीचे सांप बिच्छू घेरा बुखारे पड़े हैं और कहता है अगर ये डाला टूट गया तो ये नीचे सांप बिच्छू घेरा खा जाएंगे मेरे को, तो और ऊपर को देखता है तो बड़े मजे ले रहा है। और दो चूहे हैं वो काट रहे हैं उस पेड़ को, एक काला है एक सफेद है। एक मस्त हाथी आता है और उस पेड़ को हला देता है और वो खत्म हो जाता है। तो देखिए हमारा आर्य समाज, मैं हर वक्ता से अपील करूंगा कि इस आर्य समाज के संबंधित ही यहां पर हमारा
कोई प्रवचन होना चाहिए, बाहर का थोड़ा करें तो अच्छा नहीं लगता है। बाकी अपने समय काटने के लिए हम दोस्त मित्रों से मिलने आए हैं, बहुत अच्छी बात है। त्रेतवाद है, त्रेतवाद का मतलब ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर अलग है जो सारे ब्रह्मांड को चला रहा है, और जीवात्मा जैसे ही खत्म हुई उस दूसरी खोड़ में चली जाएगी, योनि के अंदर चली जाएगी। ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा भाई, मैं बोलूंगा। जीवात्मा उधर चली जाती है दूसरी खोड़ के अंदर, और प्रकृति जो है शरीर जिससे बना हुआ है इसको अंत्येष्टि कर देते हैं, संस्कार कर देते हैं इसका। तो जीवात्मा के बारे में एक भजन है, कृपया सुनने का कष्ट करें थोड़ा सा। किस जीवात्मा क्या चीज है? गति जीव आत्मा की, गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहां से ये आए किधर लौट जाए, कहां से ये आए किधर लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहां से ये आए किधर लौट जाए। कभी इसका आना जाना किसी ने न जाना, कभी इसका आना जाना किसी ने न जाना। कहां का निवासी है ये, कहां है ठिकाना, कहां का निवासी है ये, कहां है ठिकाना। किसी को भी कोई अपना हो, किसी को भी कोई अपना बता ना बताए, कहां लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहां से ये आए किधर लौट जाए। मिली एक नगरी इसको अयोध्या निराली, मिली एक नगरी इसको अयोध्या निराली, जो है आठ चक्रों और नौ द्वार वाली, जो है आठ चक्रों और नौ द्वार वाली। चार दिन ही इसका हो, सिर्फ चार दिन ही इसका बादशाह कहलाए, कहां लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहां से ये आए किधर लौट जाए। प्रभु ने हजारों तोहफे बना कर दिए हैं, प्रभु ने हजारों तोहफे बना कर दिए हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किम च जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजी था मागृतः कस्येष्वित। परमात्मा ने आदमी के पहले पैदा होने से पहले ये सारा ब्रह्मांड रचा, और उसमें जो भी उसकी वस्तु इस्तेमाल करने की थी वो सारी रच दी। तो कहता है कि उसने तेरे बरतने के लिए हजारों तोहफे लगा दिए खान पीन के मौज मस्ती के। प्रभु ने हजारों तोहफे बना कर दिए हैं, प्रभु ने हजारों तोहफे बना के लिए है।
समझ में न आए कहां लौट जाए, गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहां से ये आए किधर लौट जाए। पथिक ये प्रभु की माया प्रभु जानता है, पथिक ये प्रभु की माया प्रभु जानता है, प्रभु के सिवा ना कोई पहचानता है, प्रभु के सिवा ना कोई पहचानता है। जो महान शक्ति सारे हो, शक्ति सारे विश्व को चलाए कहां लौट जाए, गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहां से ये आए किधर लौट जाए, किधर लौट जाए, किधर लौट। आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते राम।